अगर इनमें से किसी ने भी कभी सिगरेट, हुक्का या वेप ट्राई करा है, दैट्स द न्यू कल्चर। जैसे अभी कोविड फैला था, अभी क्या फैला है? द वेप वायरस। चाइना के फार्मासिस्ट थे जिनका नाम था हॉर्नलिक। बेसिकली इनको एक अच्छा सब्स्टिट्यूट निकालना था सिगरेट का। जब सिगरेट की बात करते हैं, वो आपका टबाको बर्न होता है, डायरेक्टली लंग्स में जाता है। जब आपकी वेप की बात होती है, देयर इज अ सॉल्यूशन व्हिच यू हीट अप, जिसके साथ होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड केमिकल्स जो अंदर तो जाते हैं बट हार्मफुल एनफ टू डैमेज योर लंग्स एंड ऑल्सो गिव यू हार्ट अटैक इन फ्यूचर। माइंड यू, ये छोटी मोटी नहीं, ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो वायरस की तरह फैल रही है। अब बोलने का मतलब ये कि हम बोलते थे पहले चेन स्मोकर्स होते थे, उनके लिए लेसर हार्मफुल ऑप्शन है, लेकिन जब यूएस में बैन हुआ, एफडीए के स्टेटमेंट थी 90% ऑफ द कंजम्पशन इज बाय द टीनएजर्स। सेम इंडिया में भी यही हो रहा है, उनके लिए मेजर हार्म है, इजी कन्वीनिएंट है, लोग वीफा स्कूल में करा रहे हैं, फैंसी बॉटल है, वो स्ट्रांग है, पता ही नहीं लग रहा, हाथ से स्मेल नहीं आ रही, हर हफ्ते आप चेंज कर सकते हैं फ्लेवर्स। इन टोटल अगर सारे फैक्टर कंसीडर करो तो आपका कंजम्पशन, क्योंकि इजी एंड कन्वीनिएंट है, 60-70% ज्यादा हो रहा है एंड इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू। सो अगर ये वायरस है तो बूस्टर खुद ही लगाना पड़ेगा।